दोस्तों आज भारतीय टीम और जिम्बाब्वे की टीम के बीच T20 वर्ल्ड कप का आखिरी मुकाबला खेला जाएगा, यानी सुपर 12 का ये आखिरी मैच है और ये मैच जीतना भारतीय टीम को बेहद ही जरूरी है। तो ऐसे में दोस्तों बात करते हैं कि इस मैच में इन दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 कैसी होगी और दोस्तों जानेंगे इस मैच में कौन सी टीम का पलड़ा भारी है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जहां दोस्तों पहले बात करें, भारतीय टीम को ये मैच जीतना बेहद जरूरी है। अगर भारतीय टीम ये मैच जीतेगी तो वो अपने ग्रुप में टॉप पर रहेगी और टॉप में रहने के साथ ही वो सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लेगी और उनका मैच सेमीफाइनल में इंग्लैंड के साथ होगा। ऐसे में भारतीय टीम ये मैच किसी भी हालत में जीतना चाहेगी। और ऐसे में बात करें इन दोनों ही टीमों की T20 इतिहास में हेड टू हेड रिकॉर्ड की तो इन दोनों ही टीमों के बीच T20 इतिहास में टोटल 7 मैच खेले गए हैं और 7 में से 5 बार भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे को हराया है, तो जिम्बाब्वे ने भी 2 बार भारतीय टीम को मात दी है। ऐसे में भारतीय टीम का पलड़ा तो आंकड़ों में भारी है, लेकिन जिम्बाब्वे की टीम ने इसी T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को मात दी थी। ऐसे में भारतीय टीम जिम्बाब्वे को हल्के में नहीं लेगी और ऐसे में इन दोनों ही टीमों के बीच आज का ये बड़ा मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा और ये मैच दोपहर में 1:30 बजे शुरू होगा। और दोस्तों अब बात करें इस मैच में इन दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 कैसी होगी, तो पहले बात करें जिम्बाब्वे की। और जिम्बाब्वे की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए वेस्ली और कैप्टन क्रिंग इवंस ओपनिंग बल्लेबाजी करते दिखाई देंगे। वहीं मिडिल ऑर्डर में रिक्स चकबुगा, सीन विलियम्स, सिकंदर रजा, मिल्टन सुबा और रियान ब्रूल मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते दिखाई देंगे। वहीं गेंदबाजी में लूक जोकवे, टेंडाई चटेरा, रिचर्ड नगरवा और ब्लेसिंग मुजरबनी जिम्बाब्वे की टीम की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनते दिखाई देंगे। वहीं अब बात करें भारतीय टीम की, तो भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए कप्तान रोहित शर्मा और केएल राहुल ओपनिंग बल्लेबाजी करते दिखाई देंगे। वहीं मिडिल ऑर्डर में विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक और अक्षर पटेल मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते दिखाई देंगे। वहीं गेंदबाजी में रविचंद्रन अश्विन, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी और अर्शदीप सिंह भारतीय टीम की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनते दिखाई देंगे। और आज के इस बड़े मुकाबले में इन दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 कुछ इस तरह होगी। ऐसे में दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि भारतीय टीम ये मैच जीत कर सेमीफाइनल में पहुंचे तो आप इस वीडियो को एक लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल वाली घंटी को दबाएं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।